नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। जब से सीएम योगी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से ही वो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर काफी सक्रिय हैं। जिसने भी सूबे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उसे ऐसा सबक सिखाया कि शायद ही वो कभी भूल पाए। दरअसल देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर सीएम योगी भी प्रदेश में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच अलग अलग धर्मों के त्योहार भी लगातार आ रहे हैं, मगर योगी सरकार ने लोगों से इन त्योहारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में ही रहकर मनाने की अपील की है, जिससे कोरोना का खतरा काबू में रह सके। लेकिन अब मुहर्रम से पहले योगी सरकार ने किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाएं आयोजित करने पर एक बार फिर से बैन लगा दिया है। ये प्रतिबंध 30 सितंबर तक प्रदेश में लागू रहेगा। बता दें कि 29 अगस्त को मुहर्रम मनाया जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बारे में आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि सभी प्रकार के जुलूस और झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। बता दें कि ये रोक इसलिए भी लगाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों की ओर से कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि अपने अपने घरों में मूर्तियां, ताजिया और आलम की स्थापना पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के अलावा पुलिस कमिश्नरों, एडीजी जोन और आईजी डीआईजी रेंज को इस संबंध में सूचित किया गया है। इस आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों से प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों, विशेषकर श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और ऐतिहासिक स्थल ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने को कहा गया है। इसके अलावा असामाजिक तथ्यों, आतंकवादियों और समाज में अस्थिरता फैलाने वाले व्यक्तियों पर भी सतर्क नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि शिया धर्मगुरु मौलाना कलवे जब्बाद ने मुहर्रम के महीने में मातम मजलिसें और ताजिए के जुलूस पर सरकार की ओर से रोक लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी और लखनऊ के इमामबाड़ा में धरने पर बैठ गए थे। योगी सरकार ने ये पाबंदियां कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर जारी की थी। मौलाना जवाद की सरकार से मांग थी कि मातम मजलिस और ताजिया रखने के लिए सरकार इजाजत दे। उन्होंने कहा था कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। जिसके बाद मौलाना की मांगों को मानते हुए सरकार ने यूपी के सभी जिलों के लिए नया आदेश जारी कर दिया था। नए आदेश के मुताबिक घरों में ताजिए रखने और अजादारी पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।